कोरोना काल में दवाइयों की कालाबाजारी करने और महंगे दामों पर कोविड से जुड़ा सामान बेचने को लेकर अब मनोहर सरकार पूरे एक्शन मोड में है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए सभी जिलों के डीसी और ड्रग कंट्रोलर की ड्यूटी लगाई गई है। वो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि कोई सामान महंगा ना बिके, जो दाम पहले थे तय थे उसी दाम पर सामान बिकना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर एक्शन मोड में हैं। उन्होंने आज हरियाणा के कई जिलों का दौरा किया। यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर किसी तरह की दिक्कत लोगों को न आए। उन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें मिली हैं कि जिले में कुछ चीजें महंगी होने लगी हैं। उन्होंने उपायुक्त को आदेश दिए कि इस तरफ ध्यान रखा जाए, जो वस्तुओं के रेट पहले से तय थे उन्हीं रेट के हिसाब से सामान बेचा जाए। आज मैंने यमुनानगर के सारा जायजा लिया है, सब हॉस्पिटल्स का, ईएसआई का हॉस्पिटल स्वयं देखने भी आया हूँ। यहाँ भी जितना हमारा कोटा है वो सारा ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर भी इमरजेंसी के लिए इस कोटे को बढ़ाना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाएंगे। और कुछ शिकायतें हमको ये भी मिली हैं कि चीज़ें महंगाई की तरफ बढ़ने लगी हैं। आज डिप्टी कमिश्नर को सबको ये आदेश दिए हैं कि कोई होर्डिंग ना करे, जो सामान जिस कीमत पर पहले बिक रहा था उसी कीमत पर बिकना चाहिए, और सभी डीसी इसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि अब गरीब लोगों के लिए 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से घर घर सप्लाई किया जाएगा। साथ ही अब अस्पतालों को जितनी जरूरत है उसी के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इसकी देखरेख के लिए एक मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है, जो सारे हालात पर नजर रखे हुए है। सीएम ने कहा कि दूसरी लहर काफी तेज है, इसका सभी को मिलकर सामना करना होगा। वहीं उन्होंने कोरोना मरीजों से अपील की है कि अगर हालत ज्यादा खराब नहीं है तो वो घर में रहकर खुद को होम आइसोलेट करें। मैं एक आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि जो कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो उनको हॉस्पिटल में जाना, वो अपने घर में रह करके होम आइसोलेशन इस नाते से वो रहें। तो भी गरीबों को जैसे पिछली बार हमने एक सिस्टम बनाया था कि उनके घर में राशन पहुँचे, प्रधानमंत्री जी ने अगले 2 महीने के लिए गरीबों के लिए राशन फिर 5 किलो पर हेड के नाते से उसको खोल दिया है, मुफ्त में राशन मिल रहा है। इसके अलावा भी जैसी कोई स्थिति ऐसी बनेगी तो हम जरूर उसमें प्रदेश सरकार की कृषि योजना को, ऐसा नहीं है, मेरी नज़र सब जगह बनी हुई है। कोई भी अस्पताल है सबको सप्लाई हो रही है, लेकिन किसी को भी जितना उपयोग है उतनी ही ऑक्सीजन दी जाएगी, इससे ज़्यादा किसी को नहीं दी जाएगी। इसलिए वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीम बना दी गई है, हमारे चाहे वहाँ डिप्टी कमिश्नर हैं चाहे ड्रग कंट्रोलर हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान रखे हुए हैं। किसी को भी जल्दी भी अगर आवश्यकता होती है तो उसकी इमरजेंसी सप्लाई उसको की जाती है। फिलहाल जिले में कोरोना से हालात सामान्य होते नहीं नजर आ रहे हैं। दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक कोरोना से बिगड़े हालात को संभालने में सक्षम होती है। यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।